इस वीडियो में कक्षा नौवीं की सामाजिक विज्ञान विषय के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो 40% कोर्स कम कर दिया गया था 60% कोर्स बचा हुआ है, दोनों ही आपको अवगत करवाए जा रहे हैं। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते राजस्थान सरकार ने कक्षा नौवीं से 12वीं तक 40% कोर्स कम कर दिया है। वीडियो को लाइक करें, जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा नौवीं से 12वीं तक सभी विषयों के जो कोर्स कम कर दिया गया था संशोधित कोर्स है, सभी के वीडियो बने हुए हैं, अंत तक आप बने रहें। साथ ही ये भी आपको देते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा छठी से दसवीं तक संपूर्ण संस्कृत पाठ्य पुस्तक तथा व्याकरण पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत भाषा पूर्णतया पढ़ाई हुई है। प्लेलिस्ट से आपको अध्ययन करना है, प्लेलिस्ट से आप पूरा अध्ययन कर सकते हो। तो अब सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस 40% डिलीटेड यानी हटाए हुए कोर्स की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2020-21 के लिए हटाया गया भाग सामाजिक विज्ञान विषय कोड 8। तो ये 9th का आपके कोर्स है, पाठ्यपुस्तक का नाम है भारत और समकालीन विश्व, यानी कि जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय है उसके अंदर आपके सामाजिक के अंदर जो अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, सबसे पहले ये आपके सामने जो है ये आपके इतिहास है, इसके बाद में भूगोल, उसके बाद में राजनीति और उसके बाद में आपके अर्थशास्त्र आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले ये पोर्शन आपके जो हटाया गया है वो यहाँ पर है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आपके हिंदी मीडियम में बता देते हैं। इकाई की संख्या यहाँ पर 1 और 2 है, ये जो बीच में लाल रंग में 2 लिखा है, ये दूसरा स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये दूसरा आपके स्क्रीन सामने है। तो अध्याय का नाम यहाँ पर देखिए हटाया गया, शीर्षक और टिप्पणी, टिप्पणी के अंदर पेज नंबर लिखे हुए हैं, जो आपके नवीन पाठ्य पुस्तक है, नई किताबें आपके कोर्स के अंदर जो अवेलेबल है। तो यहाँ पर अध्याय संख्या पहली इकाई में 3रा 4था 5वां 6टा, पहला तीसरा पांचवा चौथा पांचवा, यानी कि कुल मिला के पहला तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहला तीसरा चौथा पांचवा छठा पाठ हटाए हैं। जो तीसरे पाठ का नाम यहां पर दिखा है कि फ्रांस में राजतंत्र का अनुमूल और गणतंत्र की स्थापना हटा दिया गया है, और चौथा क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति बनी हुई है, यह भी हटा दिया है। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी आपके हटा दिया है, लेकिन इन तीनों पाठों के लिए पेज नंबर नहीं दिया है। तो छठा पाठ देखिए, क्रांति और रोजाना की जिंदगी, है ना, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यानी क्रांति और रोजाना की जिंदगी, इस पाठ को जो आपके बुक है उसके अंदर प्रश्न संख्या 14 से 24 तक हटा दिया है, और उसका टॉपिक है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अब देखिए इसके अंदर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के अंदर सबसे पहला पाठ है सामाजिक परिवर्तन का युग है, ये आपके सामाजिक परिवर्तन का युग यहां पर मेन रूप से आपको देखना चाहिए। प्रश्न संख्या 25 से लगाकर 29 तक हटा दिया है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसके अंदर आपके तीसरा नंबर पाठ का नाम 3 है, नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण है, उसके अंदर पेज नंबर 61 से 63 तक हटा दिया है, ये हटाया गया है कोरोना महामारी के कारण। और चौथा है नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, पेज नंबर 66 से 70 तक, यानी 66 से 70 तक हटा दिया है। और पांचवा पाठ आपके आम जनता की मानवता के खिलाफ अपराध, ये पाठ के अंदर जो पेज नंबर 71 से 74 तक हटा दिया है, बाकी आपके बना हुआ है, बाकी पाठ आपको पढ़ना है, किताब के अंदर आपको टिक मार्क लगाना है कि इस पेज से लगाकर इस पेज तक आपको हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद में दूसरा यूनिट, दूसरी इकाई आ रही है, दूसरी इकाई के अंदर पाठ का नाम नहीं दिया है, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये आपके पेज नंबर 97 से 116 तक, यानी 97 से 116 तक हटा दिया गया है। अब लेते हैं नेक्स्ट बुक आपकी है भूगोल, पुस्तक का नाम है समकालीन भारत फर्स्ट, ठीक है ना, इसके अंदर ये 3 नंबर आपके क्या है, 3 नंबर आपके स्क्रीनशॉट नंबर 3 है। तो आपके बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप सुरक्षित रख सकते हो, और आप इस वीडियो को देखते हुए समझ सकते हो कि आपके कौन कौन से पोर्शन हटाए हैं। इकाई की संख्या यहां पर दी हुई नहीं है भूगोल के अंदर, अध्याय आपके पहला पांचवा और छठा हटा दिया है भूगोल के अंदर, भूगोल आपके अलग से बुक बनी हुई कक्षा 9th के अंदर हटाया गया, शीर्षक है पहले पार्ट का नाम है भारत के पड़ोसी देश हटा दिए, अरे पड़ोसी देश नहीं हटाए हैं, ये आपके कोर्स हटा दिए हैं भारत के पड़ोसी देश, ये आपको कोरोना के कारण नहीं पढ़ना है, जो कि भूगोल की किताब के अंदर पेज नंबर 4 से 5 तक हैं। उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पतियां वन्य प्राणी पेज नंबर 43 से 53 तक हैं। छठा आयु संरचना व्यावसायिक संरचना किशोर जनसंख्या, ये आपके पेज नंबर 59 से 61 तक हटा दिए, ये आपके भूगोल के अंदर पोर्शन हटाया गया है। अब पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, इसके अंदर इकाई की संख्या है 1, 3 और 4, ठीक है ना,
अब एक के अंदर अध्याय का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसके अंदर जो हटाया गया शीर्षक है वो लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ है। टिप्पणी के अंदर पेज नंबर नहीं दिया है तो आप किताब खोल करके लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ है जो लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों नाम के पाठ के अंदर है उस लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ को आप उसको डिलीट कर दीजिए। तीसरा चुनावी राजनीति, इसके अंदर चुनाव ही हमारी प्रणाली क्या है, यह टॉपिक हटा दिया है। चौथे पाठ के अंदर संस्थाओं का कामकाज, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, यह टॉपिक हटा दिया है। अब आपके सामने पुस्तक आ गई अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये पांचवें नंबर का स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये आप ले लीजिए और सुरक्षित रख दीजिए। इकाई की संख्या है 1, 2 और 3, यानी पहली दूसरी और तीसरी इकाई है, ये आपके हटा दी गई है। और यहां पर जो पेज नंबर मतलब प्रश्न संख्या 5 लिखा है, इस तरह के 10 स्क्रीनशॉट कुल आपके सामाजिक के आपको मिलेंगे। 10 स्क्रीनशॉट से आप पूरा पूरा कोर्स समझ सकते हो। अब यहां पर इकाई की संख्या 1 के अंदर अध्याय का नाम है पालमपुर गांव की कहानी, और हटाया गया शीर्षक का नाम भी है पालमपुर गांव की कहानी, और पेज नंबर यहां पर दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक आपको डिलीट कर देना, वो आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड के अंदर संसाधन के रूप में लोग, बेरोजगारी टॉपिक हटाया है इसके अंदर। सेकंड जो है संसाधन के रूप में लोग लेसन है, उसके अंदर से आपके बेरोजगारी हटा दिया है। जी हाँ, बेरोजगारी हटा दिया है उसके अंदर, जो पेज नंबर 24 से 27 तक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे निर्धनता एक चुनौती नाम का पाठ है, उसके अंदर वैश्विक निर्धनता परिदृश्य हटा दिया गया, उसका पेज नंबर आपके 35 से लगाकर 37 तक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। जी हाँ, जो नहीं पढ़ना है वो आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना क्या है वो आपको बताते हैं। अब ले चलते हैं 60% बचे हुए कोर्स यानी कि रिवाइज कोर्स की ओर, यानी कि संशोधित कोर्स की ओर ले चलते हैं आपको। अब आपको क्या पढ़ना है उसको हम बता रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीनशॉट आगे से आगे आपको लेते रहना है और समझते रहना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया गया। देखिए ये 6 नंबर का स्क्रीनशॉट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, विषय कोड आपका 8 है, कक्षा आपकी 9वीं है। इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है, प्रश्न पत्र आपका सैद्धांतिक होगा, प्रश्न पत्र 1 होगा, समय आपके 3.25 घंटे होंगे, और प्रश्न पत्र के लिए अंक आपके 100 निर्धारित है, यानी कि पाठ्यक्रम तो आपके हटा दिया लेकिन अंक आपके 100 के 100 रहेंगे। पहले भी 100 का हुआ करता था, अब भी 100 का है, लेकिन अब छोटा कोर्स कर दिया लेकिन 100 अंक का है, पूर्णांक आपके 100 नंबर के हैं। पाठ्यक्रम आपका 2021 का है, कौन से अंक, कौन से टॉपिक में कितने अंक है यह भी आपको बताएंगे। रिवाइज कोर्स को शुरू करते हैं। देखिए पहली पुस्तक है आपकी भारत और समकालीन विश्व नंबर 1, ये आपके पुस्तक का नाम है, ये 7वें नंबर का स्क्रीनशॉट है। इसके अंदर जो कोर्स में है वो आपको बताया जा रहा है, पीछे हमने जो बताया था वो आपके कोर्स में नहीं है, वो आपको बताया है। कोरोना के बाद में, स्कूलें खुलने के बाद में आपको यही पढ़ना है। खंड आपका फर्स्ट है, यानी यूनिट फर्स्ट के अंदर घटनाएं और प्रक्रियाएं, ये आपका यूनिट आपके इसके अंदर 5 नंबर का है। 5 नंबर के अंदर फर्स्ट लेसन के फ्रांसीसी क्रांति आपको पढ़नी है, और फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के अंदर 18वीं शती के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट 2 के अंदर क्रांति की शुरुआत पढ़नी है। सेकेंड लेसन आपका है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये 7 नंबर का है, और इस पार्ट के अंदर 2.1 में रूसी क्रांति है, 2.3 के अंदर पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति है, 2.4 के अंदर आपके अक्टूबर के बाद क्या बदला ये आपके कोर्स में है, और 2.5 के अंदर रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव आपको पढ़ना है, और इसी के अंदर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय 7 नंबर का है, और इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ उसको पढ़ना है, और सेकंड में हिटलर का उदय कैसे हुआ वो भी आपको पढ़ना है। ये दोनों आपके 7 नंबर के बहुत अच्छे टॉपिक हैं। अब खंड आपका 2 यानी यूनिट 2 के अंदर आपके क्या पढ़ना है, जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, वन्य समाज और उपनिवेशवाद आपके 8 नंबर का है। इस पार्ट के अंदर जो भी है वो आपको सारा पढ़ना है, ये आपके इतिहास हो गई है। अब आपके स्क्रीन के सामने पुस्तक का नाम समकालीन भारत है, ये आपके भूगोल है। भूगोल के अंदर बचे हुए टॉपिक कौन कौन से हैं, ये 8 नंबर का स्क्रीनशॉट है, 9वां और 10वां 2 स्क्रीनशॉट बाकी रहे हैं। अध्याय का नाम है भारत आकार और स्थिति, ये 6 नंबर का टॉपिक है, और आपके अध्याय नंबर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप, ये 7 नंबर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अध्याय नंबर 3 है अफवाह, ये 5 नंबर का टॉपिक है। अध्याय नंबर 4 आपके जलवायु, 5 नंबर का टॉपिक है, और 5वां पाठ है विलोपित, और उसके बाद में 6ठा अध्याय आपके जनसंख्या, ये 4 नंबर का टॉपिक है। इस तरह से आपकी भूगोल आपके कोर्स में है, जो कि नवीन रिवाइज कोर्स गवर्नमेंट द्वारा प्रदर्शित किया गया, वही आपको स्क्रीन के सामने दिखाया जा रहा है।
इसलिए आपको किसी कॉपी में नोट डाउन करके इस तरह से आपको अध्ययन करना है, जो आपके कोर्स में है वही आपको अध्ययन करना है, क्योंकि बहुत कम समय रहा है। इसी तरह से हमारे चैनल पर सारे के सारे विषयों के वीडियोस बने हुए हैं, आपको देखना है। इस 9th क्लास के अंदर आपके नेक्स्ट सामाजिक की जो किताब है राजनीति, यानी पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट यानी राजनीति विज्ञान, इसके अंदर ये 9वां स्क्रीनशॉट है, 10वां आपका लास्ट होगा जो अर्थशास्त्र का होगा। इसके अंदर फर्स्ट लेसन है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ये आपके वहां पर भी था यहां पर भी है, लेकिन ये 7 नंबर का है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, लोकतंत्र क्या है ये आपको पढ़ना है, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं ये आपको पढ़ना है, लोकतंत्र ही क्यों, ये आपके 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि आपके लोकतंत्र क्या है इसमें से कटा हुआ नहीं है, जो कटा हुआ है वो पीछे दे दिया। 2nd नंबर यूनिट के अंदर आपके सेकेंड लेसन के अंदर राजनीति के अंदर संविधान निर्माण है। इसके अंदर 2.2 में 2.2 में यानी 2.1 आपके डिलीट हो गया है, 2.2 के अंदर हमें संविधान की जरूरत क्यों, 2.3 के अंदर भारतीय संविधान का निर्माण बहुत ही अच्छे टॉपिक, 2.4 के अंदर भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य ये आपको पढ़ने हैं, और 3 नंबर लेसन के अंदर 3.1 टॉपिक है जो आपका चुनावी राजनीति यानी चुनाव क्यों, और 3.3 के अंदर भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ये 7 नंबर का टॉपिक है, यानी इसके अंदर जो पोर्शन आपके हटा दिया है वो आपके गया और जो बाकी बच गए ज्यादा नंबर का है, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है। 4th नंबर के अंदर संस्थाओं का कामकाज, 6 नंबर का टॉपिक है, इसके अंदर 3 है आपके, 4.2 के अंदर संसद है पार्लियामेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपके, 4 फ्यूचर के अंदर आपको बहुत अच्छा, आपको केवल 9th के अंदर ही नहीं जिंदगी भर आपको बहुत अच्छा सा पोर्शन देने वाला है, इसलिए 4.3 के अंदर आपके राजनीतिक कार्यपालिका बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, और 4.4 के अंदर न्यायपालिका ये भी आपको पढ़ना है। 5वां जो अध्याय है वो विलोपित है, लोकतांत्रिक अधिकार है, ये भी आपके कोर्स में है, इसलिए इसको भी आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट ले चलते हैं आपको अर्थशास्त्र की ओर, पुस्तक का नाम सामाजिक विज्ञान है और अर्थशास्त्र ये आपकी अंतिम पुस्तक है, और 10वें नंबर का स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल के गैलरी में स्टोर होना चाहिए, और आप लिख भी सकते हो और आपके कोई फोल्डर बना करके अलग से आप इस तरह से ये आप रख सकते हो कि हमारे ये जो कोर्स में है, जो नहीं है वो आपको पहले अलग से बता दिया, जो है वो ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंदर 2nd लेसन से शुरू होगा, यानी 1st लेसन आपका पूरा का पूरा कोर्स में नहीं है, 2nd लेसन संसाधन के रूप में लोग, ये आपके 6 नंबर का है, परिचय अवलोकन आपके आएगा, और उसके बाद में पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप, ये भी आपके कोर्स में है, ये आपको पढ़ना है, पुस्तक के अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद में 3rd नंबर पे निर्धनता एक चुनौती, ये आपके 7 नंबर का है, इसके अंदर निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता के अनुमान और असुरक्षित समूह, अंतर्राज्यीय अवमानना और निर्धनता के कारण निरोधी उपाय और भावी चुनौतियां, ये आपके 3rd लेसन के अंदर है। 4th आपके भारत में खाद्य सुरक्षा, ये 6 नंबर का टॉपिक है, भारत में खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये आपके इस तरह से आपके कोर्स में है, बुक आपको पढ़नी है, हमने आपको सिलेबस बता दिया है। अब हम इंग्लिश मीडियम में किस तरह से आपके ये सेम टू सेम कोर्स है, लेकिन मीडियम इंग्लिश है, उसको भी बता देते हैं। नाउ प्रेजेंट्स 40% डिटेल्ड कोर्स बाय गवर्नमेंट फॉर इंग्लिश मीडियम इन 9th क्लास इन SST। Now you can see here 1st number screenshot, Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer deleted portion for examination 2021, subject name social science, subject code 8 and class 9. You can like this video and share also, and if you don't subscribe then you subscribe my channel. Class 9th, the first subject history in your SST, name of book Indian and Contemporary World First, okay, unit number is 2 only there, first and second, name of chapter and title and content, 3 number lesson, Francis abolishes Manohar and becomes a republic. After that, 4th lesson, did women have a revolution? 5th number, the abolition of slavery. And 6th number, the revolution of everyday life. After that, the topic, socialism in Europe and the Russian Revolution. In this
टॉपिक लेसन नंबर वन एज ऑफ सोशल चेंज, आफ्टर दैट टॉपिक नाजिज्म द रॉज ऑफ हिटलर, इन दिस टॉपिक लेसन नंबर थ्री द नाजी वर्ल्ड वाइड, एंड फोर्थ लेसन यूथ ऑफ नाजी जर्मनी इज ऑल्सो डिलेटेड, फिफ्थ नंबर लेसन ordinary people and the crimes against humanity is also deleted by government, and second number unit and lesson number chapter number 5 pastoralists in the woman world is also deleted by government. After that history subject you can see here geography. Geography is your second subject in SST in 9th class. Name of book contemporary India first geography. Unit number is not 3 because 3 is your screenshot number. Name of chapter, title and content. Chapter number 1 India's neighbors mean India's neighbor countries. Okay, after that deleted chapter number 5 natural vegetation and wildlife is also deleted. After that chapter number 6 as composition, occupation, structure, adolescence, pollution is also deleted. You know, I am not from English medium, so pronunciation is maybe mistake, but I can send message to you. Geography deleted, course over. Now start political science deleted course in 9th SST. Name of book democratic politics first unit number is not 4 and this 4 number is your screenshot number. Name of chapter there is not name of chapter, there is number of chapter after title and content. First number chapter 1.4 is deleted only. Broader meaning of democracy, and in lesson 3.2 is deleted only. What is system of our election? After that chapter number 4.1 how is measures policy decision taken is also deleted. After that political science is over now, and economics deleted portion is start now. Name of book economics unit number is not 5 because 5 number is screenshot. Name of chapter, title and content. Chapter number 1 the story of village Palampur whole chapter is deleted. Chapter number 2nd unemployment is also deleted. Chapter number 2nd also global poverty science is also deleted. There is maybe a number of change, but topic name is title and content global poverty is deleted by government. Economy is over now. That is all deleted course is over now, and now you deleted course don't studying in your course. Now we can go to the next. Now present 60% revised course, new course for you, 400 marks. Board of Secondary Education Rajasthan has made revised syllabus of examination 2021 subject social science, subject code 8 and class year 9. In starting of your revised course in 9th class, SST book name Indian and the contemporary world first history. In history, your revised course unit number first and second is here only. Name of chapter, event and process, title and content. Number first, the French Revolution. After that, 1.1 French society during the late 18th century. After that, 1.2
द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन. दिस दिस चैप्टर इज 5 marks only. After that, next lesson, I mean second lesson, socialism in Europe and the Russian Revolution. In this second lesson, 2.1, the Russian Revolution, and 2.3, the February Revolution in Petrograd. After that, 2.4, what changed after October. After that, 2.5, the last point of second chapter in your including course, and the global influence of the Russian Revolution and the USSR. This second lesson is 7th marks. After that, lesson number 3, Nazism and the rise of Hitler. And after that, 3.2, birth of Weimar Republic. 3.2, Hitler's rise of power. 7th marks is there. After that, second unit, lesson name, livelihood, economics and societies. Fourth number lesson, forest society and colonialism. 8 marks is there. This history is over. After that, book name, Comptatory India, the geography. Okay, unit number is not at there, because at number is your screenshot number, name of chapter, title and content. Marks is also there. Chapter number 1, India, size and location. This is very most important lesson are there. Chapter number 2, physical feature of India. 7th marks is are there. After that, chapter number 3, drainage. 5 marks are there. Chapter number 4, climate is by 5 marks are there. After that, chapter number 6, pollution. 4 marks are there. So you read and study very well. That lesson is including after corona vacation, reopening school. Now you can see that political science, book name Democratic Politics. Unit number is not 9 there. 9 is your screenshot number, name of chapter, title and context. Marks is also there. Chapter number 1. What is democracy? Why democracy? 1.1. What is democracy? 1.2. Feature of democracy. 1.3. Why democracy? 7 marks are there. Chapter number 2, constitutional design. 2.2, why Dover need a constitution. 2.3, making the Indian constitution. 2.4, guiding value of the Indian constitution. 7th marks are there. After that, chapter number 3, electoral politics. 3.1, why election. 3.3, what makes election in India democratic. 7 marks are there. After that, chapter number 4, working of institutions. 4.2, parliament. That's very important lesson. 4.3, political exclusive. After that, 4.4, the judiciary. 6 marks are there. And this chapter number 5 also deleted. Chapter number 5 deleted by government. Now your revised course political science over, and now we start economics. Book name social science. Economics. Unit number is not 10 there, because 10 is screenshot number, and this screenshot is last screenshot. Name of chapter, title and contact. Marks is also there. Chapter number 1 deleted. First starting I show you that chapter number 2, people as resource. Overview and economic activity.
activities by man and woman. 6 marks are there. After that, chapter number 3, poverty as a challenge. 2 typical cases of poverty and poverty as seen by social scientists. Poverty estimators and vulnerable groups. After that, interstate disparities, cases of poverty, anti-poverty measures, and the challenge ahead. Okay, 7 marks are there. Maybe their large lesson. And at least of your that course of SST, chapter number 4, food security in India. Food security India, what is butter stock, what is the public distribution system. 6 marks is over, and your course is also revised course is also over. I think you like this video. If you like, then also you click that like button, press that like button. If you don't subscribe, then you subscribe, because there is you can find a full course of Sanskrit, 10th class, 9th class, 6th, 7th, 8th also. Sanskrit full lesson you can understand by that English medium. So you like, and you can go in my channel, whole playlist in my channel, playlist you can find playlist, and you can find your class Sanskrit full course, and you can find their Sanskrit grammar full course, and you can their studying Sanskrit full course. Good at you all. God bless you. Bhagwan aapka bhala kare. Hey Bhagwan, bhala sabka karo, lekin shuru humse karo.